हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी एग्जाम से जुड़े दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पर। देखो, जैसा कि आपको पता है कि 17 तारीख से ग्रुप डी का एग्जाम टेंटेटिव है और अभी तक कोई भी नोटिस आपको देखने को नहीं मिला है, इवन कोई शेड्यूल का नोटिस अभी तक नहीं आया है। हमने नॉर्मली देखा है कि रेलवे के एग्जाम्स में 20 से 25 दिन पहले जो है नोटिस दे के बताया जाता है कि किस तरह से आगे का शेड्यूल रहेगा, तो ग्रुप डी में अभी तक नोटिस क्यों नहीं आया है? बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल है कि सर नोटिस क्यों नहीं आ रहा है, कहीं एग्जाम आगे डिले ना हो जाए। अभी कल या परसों में जो है एक फेक पेपर कटिंग बनाई गई थी किसी के द्वारा, उसमें बताया गया था कि एग्जाम अक्टूबर में जाएगा, तो ऐसे थोड़ा सा स्टूडेंट जो है भ्रमित हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम आपका 17 अगस्त से है, अभी तक बिल्कुल ऑफिशियल यही चीजें हमारे पास हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एग्जाम आपका डिले होने वाला है। तो सवाल यहां पर यह है कि कब तक शेड्यूल वगैरह आ सकता है। साथ ही हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि जिनका एग्जाम पहले फेज में हुआ, यानी कि आप कह सकते हैं स्टार्टिंग में जिनका एग्जाम हुआ, उनको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, और लास्ट में जिनका एग्जाम होता है उनको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, देखो ग्रुप डी के लिए अगर अभी तक आपने कोई भी टेस्ट परचेज नहीं किया या फिर जो टेस्ट आपने लगाए हैं आप उनसे अलग कुछ टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक वेबसाइट यहाँ पर हाईली रिकमेंड करूंगा। पहले भी मैंने अपने स्टूडेंट को इसके बारे में बताया, मॉक्स्ट्री करके एक वेबसाइट है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको जोन वाइज रैंकिंग मिल जाती है, आपके जोन में कितने स्टूडेंट ने वहाँ पर टेस्ट दिया उसके अकॉर्डिंग आपको एक रैंक मिल जाती है, थोड़ा सा ये बेनिफिट यहाँ पर है। साथ ही इनके जो टेस्ट का प्राइस है वो भी काफी लो है। ग्रुप डी के अगर प्लान्स में जाता हूँ मैं यहाँ पर, तो एक टेस्ट आपके लिए यहाँ पर फ्री रहता है, अगर फ्री वाला टेस्ट लगा के आपको ये अच्छा लगे। वैसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, मैंने पर्सनली सभी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हैं सबको रिकमेंड किया है और मैंने पर्सनली टेस्ट भी देखे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहां पर आकर, 299 प्राइस आपको दिखेगा, लेकिन यहां पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है एग्जाम गुरु 30। जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे यहां पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मात्र 209 में आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे। और यहां पर टेस्ट कितने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, एक साल के लिए पूरा वैलिड रहने वाला है और टेस्ट की संख्या यहां पर 250 से ज्यादा है, लगभग 264 टेस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो उसके साथ ही अगर आप में से कोई सीबीएटी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है, टोटल 20 टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, सीबीटी यानी कि साइको टेस्ट आप कह सकते हैं। एक टेस्ट फ्री है, उसके बाद आपको ये अनलॉक करना पड़ेगा, यानी कि आपको अमाउंट यहाँ पर पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी 299 है, आप यहाँ पर भी कूपन कोड लगा के इसका फायदा ले सकते हैं। तो आप में से कोई अगर एनटीपीसी के साइको की तैयारी कर रहा है तो वो भी आप इसको यूज कर सकता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, जैसा कि आपको पता है कि 17 तारीख से एग्जाम टेंटेटिव है तो अभी तक कोई शेड्यूल या फिर कोई नोटिस आ जाना चाहिए था। तो देखो, रेलवे की अगर हिस्ट्री आप उठा के देखोगे तो रेलवे की हिस्ट्री में कुछ भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो फिक्स हो, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा भी हुआ है कि 2 महीने 2.5 महीने पहले भी नोटिस दे के बताया गया है। पिछली बार जब ग्रुप डी की डेट्स आई थी तो बहुत दिन पहले बता दिया गया था, और ऐसा भी देखा गया है कि 20 दिन पहले या 25 दिन पहले नोटिस आता है। तो यहाँ पर हम ग्रुप डी को लेकर ये चीज़ बिल्कुल पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि कब नोटिस आएगा, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा तथ्य को समझते हैं। देखो, कम से कम 10 दिन पहले आपको सिटी इंटीमेशन जो है रेलवे को बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है ट्रेन्स की बुकिंग वगैरह करानी होती है, टिकट वगैरह कराने होते हैं, तो 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन आपका खुल जाता है, ये तो बिल्कुल कंफर्म है, और 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। लेकिन अगर 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन आया तो कम से कम 20 दिन पहले एक शेड्यूल आना चाहिए या फिर वो उनको देना ही पड़ेगा। शेड्यूल इन द सेंस कि जैसे आपको पता है कि आरआरसी वाइज आपको एग्जाम होना है, अलग अलग आरआरसी का अलग अलग दिन एग्जाम होगा, इसमें फेज वाइज इसको डिवाइड किया जाएगा। मान लेते हैं कि 2 आरआरसी या 3 आरआरसी को एक फेज में रखा जाएगा, फिर 3 आरआरसी को एक फेज में रखा जाएगा, बीच में थोड़ा गैप भी रहेगा, 2-3 दिन या 4 दिन का गैप, जैसे एनटीपीसी हमने देखा है, बेसिकली इसी तरह से आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा। तो यहां पर अगर हम शेड्यूल की बात करें तो आज 27 तारीख है, अगर मोटा मोटा देखा जाए तो अभी 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं, यानी कि ये वाला जो हफ्ता है आपका, जो अभी हफ्ता चल रहा है, इस हफ्ते के लास्ट तक बहुत ज्यादा उम्मीद है, मैक्सिमम चांसेस है कि आपको एक शेड्यूल देखने को मिल सकता है रेलवे की तरफ से, जिसमें यह बता दिया जाएगा कि कौन सी जो आरआरसी है उनको पहले फेज में रखा जाएगा या कौन सी आरआरसी है उसको लास्ट फेज में रखा जाएगा। इवन एक आपको मोटा मोटा शेड्यूल जो है वो जारी किया जा सकता है इस वाले हफ्ते में। तो ये हफ्ते में हमें लास्ट तक वेट करना चाहिए, शनिवार तक या संडे तक हमें वेट करना चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि तब तक आपका जो है एक शेड्यूल जारी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर तो आप सुनिश्चित रहे, एग्जाम आपका डिले नहीं होगा, 17 तारीख से आपका एग्जाम होगा, बिल्कुल ये ऑफिशियल न्यूज है, ऑफिशियली ये चीजें कंफर्म है, तो किसी की बातों में या कोई फेक वायरल नोटिस या फिर कोई भी पेपर कटिंग में आपको जो है भ्रमित नहीं होना है। अब बात करते हैं कि किस तरह से डिसाइड होगा कि किनका एग्जाम पहले होगा किनका एग्जाम बाद में होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो आपका एग्जाम होता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, रेलवे में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। यहां पर दो मुझे चांसेस ज्यादा लगते हैं कि जिन आरआरसी में ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं हो सकता है उनका एग्जाम ये पहले ले लें, ठीक है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि जिन आरआरसी में ज्यादा एग्जाम है उसका ये बाद में लें, ठीक है। जैसे चंडीगढ़ है आपका, इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, और आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में बहुत ज्यादा फॉर्म है, तो हो सकता है इनका एग्जाम बाद में हो जाए, तो ये भी सुनिश्चित नहीं है, बाकी इस हफ्ते के लास्ट तक आपको ये चीजें पता लग जाएंगी। अब देखो, जिनका एग्जाम पहले फेज में होगा या पहले ही दिन जिनका एग्जाम होगा, उनको एक थोड़ा सा यहां पर नुकसान ये होता है कि जैसे आपका करंट अफेयर है, करंट अफेयर में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ये उनको नहीं पता होते हैं, जबकि ये फायदा बाकी स्टूडेंट को थोड़ा सा मिल जाता है, ठीक है। बाकी वो कैसे मिलता है, जैसे मैं 2018 के एग्जाम्पल लेके आपको बताऊँ,
बताऊंगा। 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में क्या था कि स्टार्टिंग में जब आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो वहां पर मूवीज के डायरेक्टर के बारे में पूछा गया था, जबकि वो वाला टॉपिक उस टाइम पर किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ था, ना ही किसी को इतना आइडिया था कि जो आपकी मूवीज हैं कोई भी फेमस मूवी जो पिछले एक दो साल में फेमस रही हो, ठीक है, उसके डायरेक्टर के बारे में पूछा गया था। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर स्टूडेंट को पता लग जाएंगे जिनका एग्जाम बाद में होगा। ज्यादा बेनिफिट तो नहीं मिलता है, ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। देखो लेवल जो है ना वो मेंटेन ही रहेगा इस बार। वैसे भी उम्मीद है कि आपका जो एग्जाम है वो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, एक आरआरसी का एग्जाम हार्डली एक दो दिन चलेगा, तो उसमें ज्यादा बेनिफिट तो नहीं है अगर आरआरसी वाइज देखा जाए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए थोड़ा सा आपको पैटर्न का पता लग जाएगा, करंट अफेयर के क्वेश्चन कितना डीप पूछे जा रहे हैं, कहां से पूछे जा रहे हैं, तो लास्ट वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। बाकी इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, देखो जो पढ़ता है वो सारी चीजें पढ़ता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने एक नॉर्मल वे में आपको ये चीजें बताई हैं कि थोड़ा सा बेनिफिट यहां पर बाद वाले स्टूडेंट को मिल जाता है, थोड़ा सा शेड्यूल का और कितने कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं किस तरह, थोड़ा सा एक लेवल का अंदाजा लग जाता है, ठीक है। बस ये बेनिफिट मिलता है बाद में जिनका एग्जाम होता है। बाकी इस हफ्ते के लास्ट तक आपका शेड्यूल आने की पूरी पूरी उम्मीद है, जैसे ही शेड्यूल आएगा आपको बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करो, अगर इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो ये 20 दिन में पूरी ताकत लगा दो या फिर इसको जाने दो, दो ही ऑप्शन आपके पास है, पूरी मेहनत करो या फिर छोड़ दो, ठीक है। तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि पूरी मेहनत करो और लगे रहो, एग्जाम आपका 17 से ही होना है।